दोस्तों परसिवरेंस रोवर में कुल 43 सैंपल ट्यूब्स हैं। हर ट्यूब को सिर्फ एक ही बार फिल किया जा सकता है, इसलिए मार्स के किस हिस्से से सैंपल्स कलेक्ट करने हैं इसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी भी एक डेडिकेटेड टीम की है। परसिवरेंस रोवर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा है जो रॉक्स पर लेजर बीम शूट करता है और ये बीम जिस हिस्से पर टकराती है उस हिस्से की ऊपरी परत इवेपोरेट हो जाती है और उस हिस्से पर लेजर बीम प्लाज्मा बना देती है। इसके बाद परसिवरेंस इस प्लाज्मा को एनालाइज करता है और ये पता लगाता है कि चट्टान में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इस तरीके से रोवर किसी भी रॉक कंपोजिशन का पता लगा लेता है। हर बार जब रोवर को पहले से कलेक्ट किए गए सैंपल से अलग कंपोजिशन मिलती है तो ये नए सैंपल्स को कलेक्ट कर लेता है। वैज्ञानिक भी इस बात को अर्थ पर वेरीफाई कर चुके हैं कि रोवर्स मार्स पर चट्टान और मिट्टी के सैंपल्स को सैंपल ट्यूब्स में सफलतापूर्वक कलेक्ट कर रहा है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।